मोटरसाइकिल चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है। आप देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिलें एक दो इतनी ज़्यादा संख्या में हैं भी, आदमी अब साइकिल कम यूज़ कर रहा है, मोटरसाइकिल अधिक यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादा संख्या में हैं। तो ये अस्पताल के सामने, सिनेमा हॉल के सामने, सराफा मार्केट में, मंदिरों में ज़्यादातर ये लोग मोटरसाइकिलें पार कर देते हैं। ये चार लोग पकड़े गए हैं आपके सामने, गौतम, संतोष, राहुल और रजत, इनसे 11 गाड़ियाँ बरामद हैं। अभी और भी बरामद होंगी, उसमें से चार तो कनेक्ट हो गई हैं जो चोरी हुई हैं। एक एतमादपुर आगरा से, एक जयपुर राजस्थान से, दूसरी जयपुर राजस्थान से, तीसरी नोएडा से। ये चार कनेक्ट हैं, सात हमारे पास हैं और अभी और बरामद होंगी। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चिनाइती चैन की तब बंद होगी जब सोनार पकड़े जाएंगे जो खरीदते हैं, या जो चोरी के सोना खरीदते हैं उनको पकड़ा जाए तो बंद हो। ये गाड़ी खरीदने वाले जब तक नहीं बंद होंगे तब तक ये बंद नहीं होगी। इसमें कुछ हमारे पुलिस के जवान सम्मिलित हैं, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा कि दो तो हमारे सिपाही हैं जिनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा है, आज ही उनको निलंबित करके गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे, और एक सिपाही है आगरा चला गया यहाँ से ट्रांसफ़र पे। तो ये तीन सिपाही हमारे हैं जो खरीदते थे, उनसे बरामदगी हुई है सिपाही के घरों से, और कुछ पत्रकारों को भी बेचा है इन्होंने। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन हम और आप दोनों मिले हुए हैं इस धंधे में। ये शर्म की बात है और ये चिंता का विषय है। तो मैं चाहूँगा इस पर लगाम लगे, जब तक खरीदारी नहीं रुकेगी मोटरसाइकिलों की तब तक चोरी नहीं रुकेगी। सिपाहियों के नाम सर? सिपाही हमारे एक सुरेंद्र सिंह हैं, अभी सस्पेंड हैं सिपाही जी हमारे, ये तेल की चोरी कर रहे थे उसमें मैंने सस्पेंड किया था। ये दूसरा कारनामा इनका निकला है जो खोटा होता है, हर जगह दिखाई पड़ता है। दूसरे प्रवीण हैं, तीसरे दलवीन हैं, आगरा चले गए हैं। तो बहुत बेरहमी से मैं कार्रवाई करूंगा इसमें, क्योंकि जब हम ही शरीक होंगे जुर्म में तो जुर्म कहाँ रुकेगा।